स्वागत है आप सभी का डीएम ऑटो कॉर्नर में। फाइनली मैं आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ 2023 की न्यूली लॉन्च हीरो एक्सट्रीम 160R का 4B 4 वॉल्व इंजन के साथ, जिसमें कंपनी ने पुराने वाले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स और बहुत सारे अपडेट इसमें किए गए हैं। अब इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ गई है, वजन भी बढ़ गया है, फीचर्स भी बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको प्रीवियस वाले मॉडल से नहीं मिल जाती हैं, सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो भाई, अब इस बाइक के प्रो वाले मॉडल में आपको जो है वो 37 mm डायमीटर के K/B वाले यहाँ पर आपको USD अपसाइड डाउन फॉर्क मिलते हैं गोल्डन कलर के। अगला जो मडगार्ड है इसकी डिज़ाइन भी चेंज हो चुकी है। अगर हम इसकी हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ तक कि इसकी जो हेडलाइट है, इसका जो डिज़ाइन है पुराने वाले मॉडल से थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं वाइजर वाला, इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है और पूरा का पूरा यहाँ पर आपको स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। साथ में आपको LED वाले यहाँ पर आपको विंकर्स मिल जाते हैं। अगर आप बाइक को साइड प्रोफाइल की तरफ से देखेंगे तो टंकी के ऊपर में हीरो का स्टिकर है लेमन ग्रीन कलर के साथ, और यहाँ पर एक्सट्रीम जो है वो 3D के साथ मेंशन किया गया है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ग्रे कलर में मिलेगा, और पिछला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपको मिलेगा लेमन ग्रीन कलर में, वो भी मैट फिनिश के साथ में। नीचे में 160R का यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाएगा। और अगला जो अपडेट है बाइक का टैंक का, वो ये है कि इसके ये जो पैनल वगैरह आप देख रहे हैं ये टोटल जो है वो दोबारा से इसको रीडिज़ाइन किया गया है। काफ़ी यहाँ पर आपको मस्कुलर यहाँ पर आपको लुक मिलने वाला है प्रीवियस वाले मॉडल से। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिलेगी, और जो पैनल हैं वो आपको मिलेंगे ग्रे कलर में। नीचे में प्रोग्रामेड FI की बैजिंग मिल जाएगी। अगले अपडेट की बात करें तो अब इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है पिलियन और राइडर के बेहतरीन कंफर्ट के लिए। इसके अंदर की जो कुशन वगैरह है, इसके अंदर की जो फॉर्म का जो मटेरियल है वो पुराने वाले से काफ़ी यहाँ पर आपको प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलने वाला है। साथ में 795 mm की सीटर मिल जाएगी, और यहाँ पर हीरो का स्टिकर दिया गया। बाकी ये जो काउल वगैरह आप देख रहे हैं इसमें कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही पुरानी वाली यहाँ पर आपको LED वाली टेल लाइट। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 220 mm डायमीटर की डिस्क मिलती है, और जिसमें आपको C8 के टायर मिल जाएंगे। पिछला जो टायर है वो 130/70 R17 का मिलता है, मतलब कि रेडियल टायर मिल जाता है। अगर आप बाइक को लीन वगैरह करते हैं या फिर ट्रैक में चलाते हैं झुकाकर, तो आपको स्किड की जो दिक्कत है वो इस बाइक से नहीं आने वाली है। अब मैं आपको बाइक के एग्जॉस्ट के और इंजन के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। ये है इंजन का साउंड। तो यहाँ पर अब आपको 4 वॉल्व वाला इंजन मिलता है, नया साइलेंसर मिल जाता है। तो साउंड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाइक के इंजन में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो है इसके पावर में, इसके टॉर्क में और इसके इंजन गार्ड में। यहाँ पर आपको नई डिज़ाइन के साथ इंजन गार्ड मिल जाते हैं, जिसके ऊपर में 4B 4 वॉल्व की यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है। 165 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सबसे अच्छी बात बाइक में आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने ऑयल कूलर का यूज किया गया। ये जो ऑयल कूलर आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी बड़ा है नॉर्मल 160 cc की बाइक के हिसाब से। इसके एक और अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो कंपनी ने थोड़े से इसके फुटपैक्स में एर्गोनॉमिक्स जो है वो चेंजेस किए गए। जैसा कि अब इसका जो फुटपैक्स है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर उठा दिया, जिससे आपको एक स्पोर्टी राइडिंग पोजिशन मिल सके। अब इसके इंजन और पावर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 163 cc का ऑयल कूल्ड 4-stroke 4 valve वाला BS6 FI इंजन दिया है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 163 cc का ऑयल कूल्ड 4-stroke 4 valve वाला BS6 FI इंजन दिया है। अब ये इंजन आपको मैक्स पावर देता है 16.9 PS की 8500 RPM पर। अब इस बाइक के इंजन से आपको टॉर्क मिलेगा 14.6 Nm का 6500 RPM पर। बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, और बाइक की जो टॉप स्पीड है वो भी थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसा कि आज मैंने इसको जो है वो ट्रैक पर चलाया था तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो आई है 117 km/h के आसपास। जैसा कि ये E20 OBD2 वाला मॉडल आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बकायदा E20 का एक लोगो लगा हुआ है। अब ये E20 फ्यूल को सपोर्ट करेगी। साथ में इसकी जो हैंडल वार है वो आपको नॉर्मल मिलती है। स्विचेस की जो क्वालिटी है यहाँ पर आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाती है। पहले यहाँ पर आपको थोड़े से अलग तरह के स्विचेस मिलते थे, जिसको कंपनी ने टोटल यहाँ पर
चेंजेस कर दिया है और अब ये जो स्विचेस हैं वो काफ़ी यहाँ पर प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अदर अपडेट की बात करें तो भाई अब इस बाइक में आपको USB मोबाइल चार्जिंग का यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप बाइक को चलाते चलाते भी मोबाइल को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। बाइक में आपको इन्वर्टेड LCD डिस्प्ले का सेटअप मिलता है, नीचे में आपको चेक इंजन की लाइट मिलती है, साइड स्टैंड गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट टर्न इंडिकेटर, ABS की वार्निंग की लाइट मिल जाती है और ऊपर में आपको RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, ओडोमीटर ट्रिप मीटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको घड़ी मिलती है। बाकी ऊपर में ट्रिप वन दिखा रहा है, ट्रिप टू दिखा रहा है, नीचे में फ्यूल गेज दिखा रहा है और बाकी अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट और मिस कॉल अलर्ट वाले यहाँ पर आपको एडवांस फीचर्स इसमें दिए गए हैं। साथ में आपको जो है वो व्हीकल लोकेट वाला भी यहाँ पर आपको फीचर्स दिया गया है। दूसरी साइड में तो बाइक का जो वजन है वो प्रीवियस वाले मॉडल से 4 से 5 किलो जो है वो बढ़ चुका है। अब बाइक का जो टॉप मॉडल का जो कर्व वेट है वो है 145 kg, इससे निचले वाले मॉडल का कर्व वेट है 144 kg। जैसा कि आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के फोल्डेबल फुटपैक्स मिलते हैं, ओपन चैन सेट कवर दिया गया है, ये जो स्विंग आर्म आप देख रहे हैं ये भी आपको बॉक्स वाला मिलेगा। बाकी गियर की बात करें तो यहाँ पर आपको 5-speed गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है, बाइक में 5 गियर मिलते हैं, साइड स्टैंड इंजन गोडप का सेंसर भी मिल जाता है।